प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल थर्टी टू इकोलॉजिकल करेक्टर्स इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे हाउसॉजिकल करेक्टर्स आर हेल्पफुल इन स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन अगर हम डिफरेंट स्पीशीज की बात करें तो जो स्पीशीज हैं उनकी जो निच है वो डिफर करती है अब नीच से क्या मुराद हैली ये फंक्शनल रोल है जो कि एक स्पीशीज प्ले करती है फंक्शनल रोल ऑफ ए इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक फंडामेंटल निच और एक रियलाइज निच फंडामेंटल निच से क्या मराद है फंडामेंटल निच बेसिकली ये एक पोटेंशियल है किसी भी स्पीशीज का कि वो अपने हैबिटेट को एक्सप्लोर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एनिमल की बात करें एक एनिमल के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है कि वो एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसके अंदर रह सकता है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव कर सकता है तो ये उसकी फंडामेंटल निच है लेकिन एक्चुअली हर ऑर्गेनिज्म अपनी जो पोटेंशियल है उसको ओक्योपाई नहीं करता बल्कि वो क्या करता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक लोकेलेटी के ऊपर अपना ज्यादा टाइम गुजारता है अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर गुजारता है तो ये जो रीजन है जहाँ पे वो एक्चुअली रहता है या जहाँ पे वो मुख्तलिफ ऑर्गम्स के साथ इंटरक्ट करता है ये उसकी रियलाइज निच कहलाती है अब डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो हैबिटेट और जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहे होते हैं इट इज डिफरेंट इसी तरीके से जो फूड सोर्सेस हैं, जो कि डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर भी वेरिएशन होती है इसी तरीके से पैरासाइट्स और होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट स्पीशीज का इट इज ऑल्सो वेरिएबल अब अगर हम हैबिटेट और इन्वायरमेंट की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट या फूड रिसोर्सिस को एंजॉय करती हैं सम टाइम एक हैबिटेट के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज भी मौजूद होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सक्लूजन थ्यूरी नो टू स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इन द सेम हैबिटैट इसका मतलब है कि एक से ज्यादा स्पीशीज एक हैबिटेट के अंदर नहीं रह सकती लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी स्पीशीज एक ही हैबिटेट के अंदर मौजूद होती हैं अब अगर एक ही जगह पे बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं तो वो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए अपने जो रिसोर्सिस हैं उसके अंदर पार्टीशन कर लेते हैं इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज अपनी अपने हेबिटाइट के अंदर ताकि कंपटीशन कम से कम हो वो फूड जो अवेलेबल होती है उसको पार्टीशन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रीडेटर की बात करें तो एक जगह पे अगर एक से ज्यादा प्रीडेटर्स मौजूद हैं और उन वहाँ पे जो प्रे अवेलेबिलिटी है वो कोई सेम स्पीशीज है या चंद सेलेक्टेड स्पीशीज हैं तो ये प्रीडेटर जो है ये अपनी फूड को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि कुछ प्रीडेटर बड़े साइज के जो प्रे हैं उस पर फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज प्रे के ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं इसी तरीके से ये अपनी जो एक्टिविटी टाइम है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बहुत सारे प्रिडेटर जो दिन के वक़्त एक्टिव होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं रात के वक़्त एक्टिव होते हैं इस तरीके से उनके अंदर इंटरेक्शन कम से कम होता है कंपटीशन कम से कम होता है और इस तरीके से वो एक ही हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज जो हैं जब मुख्तलि पैरासाइट्स उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उनका जो रिस्पांस का तरीका होता है वो वेरी करता है तो ये वो करैक्टर्स हैं जिसको स्टडी करके हम डिफरेंट स्पीशीज को एक दूसरे से डील लिमिट कर सकते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं